दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 का आज का एपिसोड तो वाकई काफी जबरदस्त होगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस एपिसोड के दौरान हमें नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ टास्क दिखाया जाएगा और इस टास्क के दौरान घर के कंटेस्टेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं जो दोस्ती चल रही है इतने दिनों से वो टूटते बिखरते नजर आने वाली है। दरअसल दोस्तों इस टास्क के दौरान घर के अंदर एक हॉरर हाउस का सेटअप बनाया गया है जिसमें कि समय समय पर बिग बॉस के द्वारा दो कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाएगा और उनके सामने उन्हीं के दो दोस्तों को खड़ा किया जाएगा कि जिनको कि पहले बुलाए गए दोनों कंटेस्टेंट को आपसी सहमति के साथ किसी एक को नॉमिनेट करना है, जबकि दूसरा ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा और अगर सहमति नहीं हो पाती है तो दोनों नॉमिनेट हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों जब शिव ठाकरे और प्रियंका का नंबर आएगा तो उस दौरान शिव ठाकरे अपने दोस्त स्टैन को सेफ करने में सफलता हासिल करेंगे, जबकि प्रियंका उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाएगी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर शिव ठाकरे कहेंगे कि गौतम और सौंदर्य केवल लव एंगल बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा लव एंगल सफल नहीं होता है। और इसी बात को लेकर एमसी स्टैन के साथ में सौंदर्य का झगड़ा हो जाएगा जो कि काफी हद तक बढ़ जाएगा और एमसी स्टैन साफ तौर पर कह देंगे कि अगर यहाँ पर लव एंगल ही चलाना होता तो हर कोई लव एंगल चलाकर बैठ जाता, हम लोग भी किसी न किसी को ले आते और इसी तरीके से गेम आगे बढ़ा लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिव ने एक बार फिर से काफ़ी अच्छी दोस्ती निभाई है। जिस तरीके से एमसी स्टैन ने शिव को कैप्टन बनाया था तो कहीं ना कहीं अब शिव ने एमसी स्टैन को बिल्कुल सेफ कर दिया है। फिलहाल दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि इस टास्क के दौरान घर वालों के बीच में झगड़े कितने बढ़ते हैं। आपको दोस्तों शिव का ये अंदाज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी स्टैन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।